गाइस आज हम बात करने वाले हैं ये इस यून 10 के ट्राइपॉड के बारे में, जो कि मेरा पहला फोटोग्राफी का ट्राइपॉड है। गाइस इसको मैंने लेके अभी मेरे हिसाब से हो गए रहेंगे लगभग 8, 9 या 10 साल। ये तब से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिया है, अनलेस एंड अनटिल सिर्फ इसकी प्रॉब्लम सिर्फ ये आई है मुझे कि इसके ऊपर की प्लेट हमेशा घूम गया, बट वो एक्चुअली इस ट्राइपॉड की गलती नहीं, वो मेरी गलती है गाइस। और ये काफ़ी स्टर्डी ट्राईपॉड है और ये खुलता भी एकदम सही से है, इतने साल हो गए हैं इसे फिर भी ये सही है। इसकी जो पैन करने की चीज़ है या फिर इसका ये जो मॉड्यूल है जहाँ से ये घूमता है वो अभी भी काफ़ी स्मूथ है गाइस। पे इसके लिए एक लीवर दिया गया है गाइस जिसको हम घुमा सकते हैं और फिर ये टिल्ट के साथ पैन भी करने लग जाएगा। देखिए गाइस इसको मैं एक उंगली से गाइस कर सकता हूँ, तो ये जो इनकी मैकेनिज्म है देखिए गाइस आपको समझेगा एक उंगली से कैसे ये हो रहा है। इसमें कोई भी प्रकार की गाइस परेशानी नहीं है, कुछ भी नहीं है गाइस, काफ़ी सही ट्राइपॉड है ये और ये खुल भी जाता है काफ़ी सारा, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसको इधर लॉक करने के लिए एक मैकेनिज्म दिया गया है गाइस, और अगर आप इसकी हाइट के बारे में पता करना चाहते हैं तो गाइस ये इतना सा रहता है जब ये फोल्डेड कंडीशन में होता है, मैं आपको बता देता हूँ इतना सा होता है ये। और फिर जब इसको खोलते हैं गाइस यहाँ पे काफ़ी अच्छी सी लीवर्स है जिसको हम लोग खोल सकते हैं। इसको खोल दिया, इसको भी खोल दिया गाइस, मैं आपको पूरा खोल के नहीं बताऊँगा अभी मतलब इस ट्राईपॉड को, बट ये देखिए गाइस हाइट के साथ कंपेयर करके इसको बताऊंगा गाइस। तो ये देखिए गाइस ये काफ़ी बड़ा हो चुका है, मेरे छाती तक आ रहा है, और अगर इसमें एक और लीवर भी है गाइस इसको अगर मैं ऊपर कर दूं तो ये एग्जैक्ट मेरी आंखों तक आ जाता है और काफ़ी बड़ा ट्राईपॉड है गाइस ये। और ये देखिए इतनी बड़ी हाइट है इस ट्राईपॉड की और काफ़ी सही ट्राईपॉड है गाइस। इसको मतलब आप लोगे तो आपको ऐसी कोई परेशानी खास तो आएगी नहीं गाइस, अनलेस एंड अनटिल आप इसको, मैंने इसको बहुत गिराया भी है गाइस। और ये ट्राईपॉड देखिए गाइस कितना सही ट्राईपॉड है ये। तो आप ये यूनटेक कंपनी के ट्राईपॉड लेने के पहले मतलब आप एक बार चेक करके लीजिए, मैंने ये ट्राईपॉड लिया था लगभग 1200 में या 800 में, मुझे अभी एग्जैक्ट उसकी प्राइस याद नहीं आ रही है गाइस, बट ये काफ़ी सही है और ये भी खुलता है गाइस, बट मैं अभी तो काफ़ी लेजी हो गया हूँ और इसके लिए इसको खोल नहीं रहा हूँ। और इसके अंदर लेवलिंग मीटर भी है गाइस जिसके वजह से आप लेवलिंग भी कर सकते हो गाइस की मतलब क्या सीन है। इसके अंदर अभी भी पानी तो होना चाहिए, वो देखिए गाइस। तो गाइस ये ऐसा मत सोचिए कि आपको सिर्फ मैन फ्रोटो के या फिर अच्छे ही ट्राईपॉड लेने हैं, सीखने के टाइम गाइस आप ऐसे यून 10 के ले सकते हो। और देखिए गाइस ये कैसे कोने में एक अच्छे ट्राईपॉड की तरह रहता है, कुछ तकलीफ नहीं किसी से, सिर्फ गाइस अपनी प्लेट्स मत घुमाइए। और ये भी काफ़ी सही है गाइस, ये पूरा प्लास्टिक से बना हुआ है, लेकिन दो ये प्लास्टिक से बना है मतलब ये जैसे कि प्लास्टिक से बना है गाइस, ये फिर भी ये काफ़ी सही है। इसके अंदर काफ़ी ऊंधा चीज़ें थी जहाँ पे जब मैं फ़ोटोग्राफी कर रहा था तो मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था, जैसे कि अरे यार जैसे कि ये इधर से एक नॉब घुमाते ही गाइस ये वाला ऐसे मैं इसको खोल सकता हूँ और ये ऐसा टेढ़ा हो जाता था और फिर मैं वर्टिकल काइंड ऑफ ले सकता था, और ये तभी के टाइम के लिए काफ़ी यूनिक चीज़ थी। अभी भी काफ़ी सारे ट्राईपॉड्स में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है गाइस और काफ़ी सही है ये इसके प्राइस के लिए। यहाँ से इसको अगर आप घुमा देते हैं और इसे भी आप अगर घुमा दोगे गाइस तो ये धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगा, मुझे इसको रखना ही पड़ेगा जैसे कि। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं इसको ये घुमाने के लिए दिया गया है यहाँ पे, और ये लीवर यहाँ से अगर मैं घुमा दूंगा और फिर इसे घुमाऊंगा तो ये धीरे धीरे नीचे आते जाएगा। तो
गाइस बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यार ये इसके प्राइस रेंज के लिए और इसके टाइम के लिए काफ़ी सही था। तो गाइस ये योंगटेक नाम की कंपनी के अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो देखो, अगर वो चाइना वाइना वाला सीन है तो फिर मत करो गाइस। इंडिया में वैसे भी ट्राइपॉड्स बन के रहे कहाँ है यार, कुछ करना पड़ेगा गाइस अपने को।